एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से एक न्यू व्लॉग में स्वागत है। टाइम हो रखा है, बजे हुए हैं सुबह के 7, और आज का वीडियो मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा करके सुबह से लेकर शाम तक का शेयर करने वाली हूँ। हमारी दिनचर्या क्या रहती है, क्या क्या मेरे काम होते हैं, तो व्लॉग में पूरा बने रहिएगा। तो बस अभी मैंने सुबह की चढ़ा दी है चाय, और चाय मैं बना रही हूँ दोबारा। तो यहाँ पे देखिए, अभी आँखों का भी ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अपना सेफ्टी रखिए, ध्यान रखिए। मैंने तो सुबह सुबह ही खूब सारा काजल लगा लिया था, क्योंकि काजल वगैरह से भी आँखों की काफ़ी सारी प्रॉब्लम दूर रहती है। तो बस यहाँ पे बन रही मेरी चाय, और इससे पहले मेरे काम काफ़ी सारे हो चुके हैं, मतलब बच्चे स्कूल जा चुके हैं, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिए। पहले भी मैं चाय बना चुकी थी, तो शुरुआत तो हो जाती है 5:30 बजे से ही। चाय मेरी बन चुकी है और मैं आ गई थी चाय लेके रूम में। रूम को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी रूम की सफाई बाकी है, और सुबह की शुरुआत ना बिना चाय के तो सच बताऊँ अधूरी सी लगती है। वैसे ये फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आदत भी इसकी बड़ी बुरी चीज़ है, जब पड़ जाती है तो छूटती नहीं है। तो मैं आ गई थी रूम में, मैंने चला रखा था यहाँ फ़ैन, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी लगती है अभी इस टाइम पे चाय पीने में। सर्दी में तो चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गर्मियों में कुछ खास उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सुबह सुबह फिर खाना पीना हो जाता है बहुत ज़्यादा लेट, तो सुबह चाय पी लेते हैं तो फिर कोई ऐसा नहीं लगता है कि जैसे हमने खाना नहीं खाया है, इतना लेट हो गया। तो आज देखिए, मैंने फाइनली यहाँ से कूलर हटवा दिया है, क्योंकि मुझे इसके टब को करना था साफ़। इसका टब हो रखा था बहुत ज़्यादा गंदा, तो वो उससे क्लीन हो नहीं रहा था, ऐसे ही मुझे ये हटाना ही था। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह ही इसको हटवा दिया, क्योंकि पीछे ना इतना वजन है कि फिर अकेले उठाना तो इसको मम्मी और मेरे तो बस की बात नहीं है। तो इसी वजह से तो रूम की देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था ना, सारा बिखरा हुआ पड़ा था, सारा मैंने क्लीन कर दिया है। झाड़ू लगाना बाकी है, मतलब पूरा जो सामान जहाँ के वहाँ सेट रखना था वो रख दिया। 2-4 कपड़े थे तो इनको भी तैर लगा के रख दूँगी, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या हो रहा है, कभी कभी कपड़े सही टाइम से सूख नहीं पा रहे हैं, एक एक 2-2 दिन में सूख रहे हैं। तो इस वजह से तो मैंने सारी बेडशीट वगैरह झाड़ के दोबारा से बिछा दी, सारा कुछ कर दिया। अभी मैं लगा दूँगी फिर इस रूम की झाड़ू, और रूम से लेके बाहर की झाड़ू अभी थोड़ी सी बाकी थी, ये सारी मैं अभी लगाऊंगी। और बाकी के घर में झाड़ू मैंने लगा दी थी चाय से पहले। और साड़ी में पूरा दिन थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, देखिए मेरी ये साड़ी तो थोड़ी सी भारी भी है पहन के काम करना, लेकिन फिर क्या करें, आदत सी भी बन जाती है करते करते। लेकिन यहाँ पे देखिए, आई थी इसमें सब्जियाँ, और अब की बार सब्जी बहुत सारी आई है, क्योंकि क्या हो रहा था ना, 2-3 दिन से घर में सब्जी थी, लेकिन वही है ना, हरी सब्जी नहीं थी, तो बस ऐसे ही काम चला रहे थे दाल वगैरह ये सारी चीज़ों से। तो इसी वजह से मंडी से मंगाते हैं इकट्ठा, तो फिर थोड़ा सा क्या होता है ना, 8-10 दिन आराम से चल जाती है। और इस टाइम पे तो बारिश की वजह से सब्जियां जो है ना, पालेज वो ख़त्म हो रखी है, तो उसकी वजह से महंगी खूब है हरी सब्जियां, ना तो उतनी ज़्यादा हैं, और जो भी हैं वो महंगी भी खूब आ रही हैं। लेकिन हमारी काफ़ी सारी आप देख ही सकते हैं कितनी सब्जी है, ये तो 8-10 दिन आराम से, 10 दिन तो आराम से चली जाएगी। तो बस सारा कुछ मैं इसको स्टोर करके रख दूँगी, और मैंने फ्रिज को भी ना इसी हिसाब से मैंने पहले से इसको क्लीन कर लिया था, क्योंकि फ्रिज पड़ा था बिल्कुल खाली, तो मैंने इसकी भी क्लीनिंग कर दी थी। देखिए बिल्कुल साफ़ पड़ा है, क्योंकि सब्जियां ख़त्म हो गई थी तो खाली था, इसलिए मैंने जल्दी से हाथ इसमें घुमा दिया। और हफ्ते के अंदर साफ करते रहो ना, तो फिर उतना गंदा भी नहीं होता। देखिए सब्जियां मैंने इसमें सारी जितनी भी थी ना सेट कर दी, नीचे कर दी, कुछ इसमें डाल दी, और खीरे फिर उतना रखने के लिए जगह नहीं थी, फिर मैंने इसे पॉलीथिन में छोड़ दिए। और बाकी सारी सब्जियां हैं उधर वाली किचन की, तो बस ये सब्जियां मैं लेके आ गई हूँ फिर इस किचन में रखने के लिए, क्योंकि प्याज आलू और ये तो सब बाहर रखने वाली चीज़ें थी, फ्रिज वाली नहीं थी। और ये हैं भुट्टे, जो कि मेरी बेटी को ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बारिश के टाइम पे लगते भी अच्छे हैं, तो उसी की वजह से आए हैं। और ये कुछ ग्रोसरी का सामान था, तो बस ये सारी चीज़ें मैं निकाल देती हूँ, सारा मैंने सेट करके रख दिया। और फिर मैं धो रही थी यहाँ पे बर्तन, और सुबह के बर्तन हैं ये चाय वगैरह के बाद, और रोटियों से पहले खाना तो भी नहीं बनाए, लेकिन सुबह सुबह के ना बर्तन भी काफ़ी होते हैं, दूध वगैरह है ना चलाते हैं जमाते हैं, तो उसके दूध से बर्तन और ज़्यादा हो जाते हैं, और चाय वगैरह के बस वही सारे हैं। तो बस सारे बर्तन धो के यहाँ से कर दूँगी, फिर मैं कर दूँगी यहाँ की क्लीनिंग, पोछा वगैरह ये सब। और अभी मुझे जाना है चारा लेने के लिए खेत,
तो खेत से मैं चारा लेने के लिए चारा लेके मतलब आ गई थी। बाद का है ये वीडियो, तो बस यहाँ पे अभी देखिए सब्जी तो पहले ही बन गई थी, मम्मी ने बना दी थी सब्जी। कोई कोई काम मतलब ज़रूरी नहीं है, जब मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मम्मी कर देती हैं, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, काम होता है बहुत सारा, और देवर जी हैं वो जाते हैं अपनी कोचिंग के लिए, तो फिर ज़्यादातर सच बताऊँ सुबह की जो सब्जी होती है ज़्यादातर मम्मी बनाती हैं, क्योंकि मैं इतना जल्दी बना नहीं पाती हूँ। 8 बजे उनको भी निकलना होता है, 7 बजे मेरे भी बच्चे जाते हैं दोनों पढ़ने के लिए, तो फिर मम्मी सब्जी बना देती हैं सुबह वाली को, ज़्यादातर मम्मी बनाती हैं। यहाँ पर मैंने भिगो के रख दिए हैं कपड़े, और अब मैं जाऊंगी बाहर इसको टब को साफ करने के लिए, क्योंकि अभी मेरा बस यही काम बचा है, इसके बाद मुझे नहाना है, तो अब इसको कर लूंगी क्लीन। पहले से मैं यहाँ नहीं आई थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, इतना गंदा हो रखा था सच में, ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है। और अभी भी ना, अभी वैसे थोड़ी सी गर्मी उतनी है कि पानी चलाने की ज़रूरत है कूलर में, पर इसकी वजह से अब मैं इसको दोबारा नहीं रखूँगी, क्योंकि फिर सही साथ के साथ साफ़ होता रहे तो ठीक है, और इसमें क्या है खुला हुआ है यहाँ, तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी गिर जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे फिर बड़ा गंदा लगता है साफ़ करने में, मुझसे फिर होते ही नहीं बनता है, तो इस वजह से मैं इसको हटा दे रही हूँ। बस अभी थोड़ा थोड़ा सा इसको यहाँ साफ़ कर लूँगी और अंदर ले जा कर फिर इसको धो के उठा के रख दूँगी, अभी मैं दोबारा से इसमें नहीं रखने वाली हूँ। और फिर उसके बाद कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद मैं नहाई थी, और नहाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और टाइम लगभग हो रखा है 11:30 शायद, तो बस उसके बाद मैं अभी यहाँ पे लगाने लग गई हूँ। ये थी मैदा जो मैंने अभी आपको दिखाई, और 2 दिन से मैंने इसको इसमें रख रखा था, बनाने की सोच रखी थी, पर वही है कि आजकल पर टाल दे रही थी, क्योंकि मैदा का क्या है बारिश के टाइम में मैदा हुई या फिर सूजी हुई ये बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, तो ऐसा मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कुछ बनाने के लिए, तो इस वजह से मैंने सोचा बच्चों के लिए नमक पारी इसमें से बना देती हूँ जो बनती है नमकीन सी, तो बस उसको मैंने लगा के रख दिया मैदा को, वो तब तक मैदा सेट हो लेगी 1/2-1/4 घंटा, और ढक के रख दिया था, और उसमें मैंने डाला था अजवाइन और वही सारी चीज़ें जो डलती हैं, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, जो भी हो वो डाल सकते हैं मोमन के लिए। तो उसके बाद मैं बनाने लग गई थी यहाँ खाना, मैंने बताया था आजकल खाना ज़्यादातर नहा धो के ही बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए खाना बन के रेडी हो गया है, और ये मेरी सिंपल सी और यूनिक सी लंच थाली तैयार है, तोरे की सब्जी, रायता और रोटी थी, सैलेड था, तो खाना पीना खा के तुरंत ही आराम मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, आ गई हूँ दोबारा से किचन में, क्योंकि एक बार आराम करने लग जाओ तो फिर आलस आ जाता है, और ये आटा मैं लगा के रख गई थी पहले ही, तो बस एक मैंने इसकी बड़ी सी रोटी बेल ली थी, और बड़ी सी रोटी बेलने के बाद इस तरीके से कट करके और इनको थोड़ा सा धीमी धीमी आँच पर तल लूँगी, और चाय के साथ चटनी सॉस किसी के भी साथ आप लोग खा सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे हैं ना, मेरी बेटियाँ वैसे ही खाती हैं, और उनको इतना ज़्यादा पसंद है ना कि आज स्कूल से आएंगे ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी ये सारी चीज़ें देख के, तो धीमी धीमी आँच पे उनको तलना होता है, एकदम तेज़ पे कर देंगे ना तो फिर ये क्रिस्पी नहीं बनती है इतनी ज़्यादा। और ये देखिए आटा मैंने थोड़ा सा टाइट गूंदा था, जिसकी वजह से मैंने इनको इकट्ठा डाला है ना, फिर भी देखिए एक भी नहीं चिपकेगी इसमें से, पूरा अपने आप अलग अलग हो जाएंगी, तो फाइनली सारी मेरी बन के तैयार हैं, और आवाज़ से आप लोग पता लगा सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है, तो चाय वगैरह के साथ काफ़ी अच्छी लगती हैं, बना भी सकते हैं किसी को पसंद हो तो। तो फिर इसके बाद जी मैं मिलती हूँ आपको शाम को, और शाम को बना रही थी मैं यहाँ पे चावल फ्राई नमकीन वाले चावल, क्योंकि पता नहीं आज मेरा मन ही नहीं था कि मुझे शाम को रोटी खानी है, वैसे खाना भी बनेगा क्योंकि सब लोग चावल नहीं खाएंगे, लेकिन मैं नहीं खाने वाली हूँ रोटियाँ, तो बस अपने लिए मैंने छोंक दिए हैं यहाँ पर चावल, जिस किसी को भी खाने होंगे और भी कोई खा सकता है आलू वगैरह डाल के। और फिर इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में अपनी ये वाली में, और आज मैंने कई दिनों के बाद ये अपना चूल्हा जला, क्योंकि जो ये भुट्टे हैं ना ये चूल्हे की आंच पे ही भुनते हैं तभी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, गैस वगैरह पर उतने नहीं अच्छे लगते, तो शाम के खाने में बस अभी आटा लगा के रख दिया है मैंने, कुछ सब्जी रखी है कुछ, और कुछ चटनी वगैरह कुछ बना दूँगी, तो शाम की खाना भी हो जाएगा। और अभी तो यहाँ पर भून लेती हूँ मैं ये भुट्टे, और बस नमक नींबू लगा के इंजॉय करते हैं, और आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।